नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं फलावदा कस्बे में, जो मेरठ ज़िले के मवाना तहसील में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ से हमने सामने आपको फलावदा का द्वार दिखाई दे रहा होगा। मवाना की तरफ से आते हुए हमने एंट्री की है और आते ही हमको राइट साइड में बस स्टैंड फलावदा का दिखाई देता है, जहाँ से आपको मवाना और मेरठ के लिए बसें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो दोस्तों बस स्टैंड के बाद हम सीधे चलते हुए कस्बे में अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ से हम इस चौक पर आए हैं। पुराना बस स्टैंड हुआ करता था फलावदा का, और यहाँ से जो सीधे ये रास्ता जा रहा है, ये सीधे नेहरू और आगे कुछ गांव हैं वहाँ पे भी हम जाएंगे, वहाँ से ये जाता है। तो हम अब आ गए हैं उस रास्ते से होते हुए गाँव की तरफ, और ये हम जहाँ पर अभी खड़े हैं यहाँ से। दोस्तों अभी हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, वहाँ से अगर हम सीधे देखें तो खतौली के लिए रास्ता जा रहा है, और यहाँ से राइट साइड में कुछ गांव के लिए रास्ता जाता है, जहाँ पे हम भी हम प्रवेश करेंगे इस रास्ते से जाते हुए। तो हम अब आ गए हैं, सबसे पहले एक गांव पड़ा है नंगला। दोस्तों काफ़ी बड़ा गाँव है ये फलावदा क्षेत्र का। इसके बाद इस गाँव की एंट्री यहाँ से है, और लेफ्ट साइड में आपको इसका सरकारी विद्यालय देखने को मिल रहा है, और इससे आगे चलते हुए हम दूसरे गाँव के लिए जाएंगे। दोस्तों ये जो आपको द्वार दिखाई दे रहा है, ये है ग्राम नेहरू का द्वार। ये नंगला कार्डर से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बाद दूसरा गांव आता है नेहरू, और आसपास आपको गन्ने के खेत कुछ दिखाई दे रहे हैं, और सामने इस रास्ते से होते हुए हम नेहरू गांव में प्रवेश कर सकते हैं। और अभी हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, यहाँ से मेरठ ज़िले की सीमा समाप्त हो जाती है। यहाँ से इस रास्ते से सामने अगर हम जाएं तो गदनपुरा गांव पड़ता है, जो कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र में आता है। और दोस्तों यहाँ से राइट साइड में दांदूपुर से होते हुए मवाना के लिए भी रास्ता जाता है। दोस्तों जिस चौराहे पर हम अभी खड़े हैं, इस पर दशहरे के अवसर पर एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।